और कराची के इलाके कायदाबाद में बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमने रابطہ किया है कराची में मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, इस हवाले से तफसील दीजिएगा। जी, इस हवाले से एसएसपी मलीर का कहना है कि मुलजिम ने 6 साल बच्ची को अगवा किया, अगवा के बाद ज्यादती की कोशिश की, उसके बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और बच्ची को मुर्दा समझकर बोरी में बंद करके इसे जो है वो फेंक दिया गया था। इसी दौरान पुलिस को इस वाकई की इत्तला मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, बच्ची को जो है वो बोरी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया और तिब्बी इमदाद दी गई। उसके बाद बच्ची से पूछताछ की गई तो बच्ची ने जो है वो मुलजिम का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा कायदाबाद के इलाके में ही और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का गिरफ्तार मुलजिम जो है वो बच्ची का पड़ोसी है, मुलजिम से पूछताछ जो है वो की जा रही है। जो बच्ची बरामद हुई है, बाजियाब कराई गई है, उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, उसके अस्पताल में गैर इलाज है। इस कार्रवाई पर जो है वो एडिशनल आईजी कराची और वजीर दाखिला सिंध ने जो है वो एसएस मलीर और उनकी टीम को शाबाशी दी है, तारीफ की इस्नाद दी है। दोनों के लिए दोनों की तरफ से 1 लाख और 2 लाख रुपए जो है नकद इनाम भी इन्हें दिए गए हैं। मजीद जो गिरफ्तार मुलजिम से इससे पूछताछ की जा रही है कि आया मुलजिम जो है वो सिर्फ अकेला ही है या इस वारदात में उसके साथ दीगर साथी भी मुलविस थे, जिस बारे में उसके बारे में उससे तफ्तीश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया कमर, इस सवाल से आपने आगाह किया।